Hello everyone, this is Radha and I welcome you all in this class. So here we are with our another lecture of plant physiology and development, जिसमें कि हम लोग water transport in plants के बारे में बात करेंगे. तो इससे पहले हम लोगों ने diffusion क्या होता है, osmosis क्या होता है, tonicity क्या होता है, conducting tissue जिसमें मैंने आपको xylem और phloem के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि xylem जो है xylem vessel और xylem tracheate, ये दो हम लोगों ने इसके एलिमेंट्स पढ़े थे. कि जो xylem tracheates है वो gymnosperm में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और जो xylem vessel है वो angiosperm में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है. इतना चीज तो आपको पता होगा. उसके अलावा सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल के बारे में देखा और साथ साथ में हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए विद डिटेल. तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उतना मोर देन इनफ है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए CSIR गेट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक बात. तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और अगर हमारे पास में टाइम रह जाता है तो हम लोग इससे रिलेटेड प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. और जितना आपका कंटेंट है ये तेज एंड जिगर बुक से है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सफिशियंट मैं उतना आपको यहाँ पर पूरा प्लांट फिजियोलॉजी करवाऊंगी. तो जितने वीडियोज चैनल पर अपलोड होते जाए उनको डेली बेसिस पर देख लिया करना, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूटी मिस हो जाएगी तो नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, तो एक लिंकिंग नहीं सेट हो पाएगा. ठीक है, तो डेली बाय डेली रूटीन बेसिस पर कंसिस्टेंट बेसिस पर लेक्चर को अटेंड कीजिएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट मी. आई क्वालिफाइड CSIR नेट ट्वाइस एंड सेकेंड टाइम आई सिक्योर AIR 111 एज वेल एज आई ऑल्सो क्वालिफाइड GATE BT एंड GATE इन लाइसेंस कैटेगरी एंड 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले xylem के बारे में बात करते हैं. तो xylem क्या होता है, तो यहाँ पर देखो xylem इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन वेस्कुलर प्लांट, फ्लोएम बींग द अदर. सो यहाँ पर यहां से देखो हमारे पास कितने टाइप के यहां पर ट्रांसपोर्ट बताए गए हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे पास में दो तरीके के ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं. दो तरीके के ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं. कौन से दो तरीके के ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है हमारे पास में क्या, एक होता है xylem. तो आप लोगों को इतना तो पता है कि फ्लोएम और xylem क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं. फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और xylem वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है. लेकिन एक चीज और आप लोग ऐड कर लेना, xylem वाटर के साथ साथ मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट करता है. हम लोग तीन तरीके का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट. आज के लेक्चर में हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट देखेंगे जो xylem करता है, देन हम लोग फूड ट्रांसपोर्ट देखेंगे जो फ्लोएम करता है, देन हम लोग नए लेक्चर में मिनरल ट्रांसपोर्ट देखेंगे जो कि xylem करता है. तो xylem जो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. तो वही लिखा गया है कि दो टाइप के ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, दो तरीके के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, xylem उनमें से एक है और फ्लोएम दूसरा है. नेक्स्ट, द बेसिक फंक्शन ऑफ xylem इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर. सही है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, xylem करता है. कैसे करता है, तो देखो यहां पर जैसे यहां पर इस तरीके से हमारे पास में यहां पर ये रूट यहां पर प्रेजेंट है. ठीक है, रूट है. इसके बाद में यहां पर ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में इस तरीके से प्लांट है. ठीक है, ये क्या बना दिया हम लोगों ने, प्लांट बना दिया. तो ये प्लांट का स्ट्रक्चर है. तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, यहां पर ये देखने को मिलता है कि चारों तरफ क्या होती है, चारों तरफ हमारे पास होती है सोइल. क्या प्रेजेंट होगी चारों तरफ, चारों तरफ जो है ये सोइल प्रेजेंट होगी. धरती में पानी भी प्रेजेंट होता आपको पता है, तभी तो आप लोग देखते होंगे पानी कहाँ से आता है, धरती के नीचे से तो खींचते हैं हम लोग, तो धरती में पानी भी प्रेजेंट होता है. तो वॉटर यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, ठीक है.
अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, पानी क्या है वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में अगर मैं इसको लिखूं तो पानी यहाँ ज्यादा है, ठीक है। और प्लांट का जो एपिकल वाला रीजन है, ये जो एपिकल वाला रीजन है, यहाँ पर क्या होता है, पहला तो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस इस तरीके से होता है क्योंकि जो प्लांट के लीफ होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, दिन दिन के प्रेजेंस में लाइट भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट और वाटर, इनकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या होता है? शुगर बनता है, सुक्रोज बनता है। और ये जो सुक्रोज होता है, अब आप लोगों ने घरों में चीनी तो देखी होगी, चीनी क्या होती है, सोल्यूट होती है, सोलिड फॉर्म में होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सोल्यूट बढ़ता जा रहा है। फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है। और अगर सोल्यूट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सोलवेंट जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तो पहला रीजन तो ये होता है कि वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर यहां पर कम है। दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा रीजन ये होता है, सेकेंड रीजन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन यहां देखने को मिलता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वॉटर। लॉस ऑफ वॉटर किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। तो दिन के टाइम पर क्या होता है, वॉटर यहां पर वेपर फॉर्म में बाहर का जो एटमोस्फेयर है वहां पर चला जाता है। अब पानी बाहर जाता जा रहा है तो यानी कि इस वाले एरिया में वॉटर क्या होगा, वॉटर जो है इस एरिया में कम होगा। और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जो है वो अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है। तो यहां पानी ज्यादा है रूट के पास में, क्योंकि रूट क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली ये जमीन में से पानी को ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली पानी को ले रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि अगर मान लो ये गुब्बारा है मेरे पास में, इसमें बहुत सारी मैं हवा भर दूं तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना गुब्बारे के अंदर, एक प्रेशर क्रिएट होगा। और इस प्रेशर की वजह से यहां पर भी देखो, यहां पर भी पानी कॉन्टिन्यूअसली ले रहा है रूट, तो यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। पहला रीजन तो प्रेशर क्रिएट होगा, दूसरा यहाँ पानी ज्यादा है, एपिकल वाले रीजन में कम है, तो यहां पर क्या होता है, पानी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से वॉटर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से पानी को ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी को पुल किया जा रहा है। पहला रीजन तो ये है कि पानी ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा रीजन क्या है कि पानी क्यों ट्रांसपोर्ट होता है रूट टू एपिकल पोर्शन, वो इसलिए होता है क्योंकि एक रूट क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूअसली पानी एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर मान लो एक गुब्बारा है, यहाँ पर बहुत सारी हवा भर गई तो हवा बाहर की तरफ निकलेगी, वैसे ही अगर यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया रूट में तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो पहला प्रेशर ड्राइवन फ्लो होता है, दूसरा ट्रांसपिरेशन होने की वजह से पानी को ऊपर की तरफ पुल किया जाता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। तो प्लांट में कैसे हो रहा है, रूट से पानी कहाँ जा रहा है, सोइल से जा रहा है, कहाँ सोइल से जा रहा है रूट के पास में, और रूट से फिर कहाँ जाएगा, लीफ वगैरह के पास में, पूरे प्लांट के पास में ट्रांसपोर्ट होगा। और एक ही डायरेक्शन में होता है, कहाँ, अपवर्ड मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग कैपिलरी मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी मूवमेंट, ठीक है। ये बेसिक ओवरव्यू है, यहां पर ये चीज आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है, कि किस तरीके से यहां पर क्या देखने को मिलता है, किस तरीके से यहां पर जो वॉटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए वापस से हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। ये देखो यहां पर, जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वॉटर फ्रॉम रूट टू स्टेम। जाइलम क्या करता है, वॉटर को रूट वाले एरिया से स्टेम और लीफ वाले एरिया में ट्रांसपोर्ट करता है। द वर्ड जाइलम मीन्स वुड, जाइलम का मतलब क्या होता है, वुड। द बेस्ट नोन जाइलम टिश्यू इज वुड। जाइलम का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है वुड। और वुड क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो प्लांट वगैरह होते हैं वहां पे जो लकड़ी होती है वो डेड टिश्यू होता है, तो जाइलम को डेड टिश्यू भी कहा जाता है। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेड, इनके बारे में आपको पता है।
इसके अलावा बस ये देख लेना, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, जाइलम फाइबर जो है डेड टिश्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये चीज बताया था कि जो जाइलम वेसल है ये एंजियोस्पर्म में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ? एंजियोस्पर्म में। और जो जाइलम ट्रैकिएड है ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? ये जिम्नोस्पर्म में करता है, जिम्नोस्पर्म में। अब क्या होता है यहां पर ये देखने को मिलता है कि जो जाइलम ट्रैकिएड होते हैं, ये मान लो ये जाइलम ट्रैकिएड इस तरीके से, तो ये वाइड होता है, ये देखो यहां से लेके यहां तक ये वाइडर होता है एज कंपेयर टू जाइलम वेसल। ये कैसा होता है जाइलम वेसल? ये यहां से यहां तक देखो ये शॉर्ट होता है। तो अगर ये पूछा जाए कौन सा वाइडर होता है, तो जाइलम ट्रैकिएड इज वाइडर वाइडर देन जाइलम वेसल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो यहां पर जाइलम जो ट्रैकिएड होता है वो ज्यादा वाइडर होता है किसके कंपैरिजन में? जाइलम वेसल के कंपैरिजन में। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये लाइन जो है एज इट इज आई हुई है, तो इस लाइन को आप लोग ध्यान रखना, अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना कि जाइलम ट्रैकिएड ज्यादा वाइड होता है एज कंपेयर टू जाइलम वेसल। नेक्स्ट देखो यहां पर, नेक्स्ट किस तरीके से यहां पर जो फ्लो होता है वाटर का रूट टू एपिकल एरिया में कैसे देखने को मिलता है? तो मास में फ्लो होता है। आप लोगों ने कभी ये देखा है कि वाटर जो है वो इस तरीके से फ्लो होता हुआ देखा है कि एक एक मॉलिक्यूल जा रहा है? ये मान लो यहां पर दोबारा से बना देते हैं, यहां पर इस तरीके से ये रूट है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इस तरीके से प्लांट है अपना। तो आप लोगों ने कभी ये देखा है कि यहां पर जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर इस तरीके से जाए, पहले एक मॉलिक्यूल जाएगा फिर दूसरा मॉलिक्यूल जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पहले मिलते हैं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जो है मिलते हैं बल्क में, यहां पर वाटर मिलता है। तो ये जब वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं ना, इसको हम लोग कोहेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेशन। क्या बोलेंगे? कोहेशन। इसके बाद यहां पर जाइलम वेसल है, मान लो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो जाइलम वेसल के साथ में ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये यहां पर जाइलम वेसल के साथ मिलेंगे। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स और जाइलम जो ये जब आपस में मिलते हैं, इसको एडहेशन कहा जाता है। जब सेम सेम मॉलिक्यूल मिलते हैं, वाटर वाटर मिलता है तो कोहेशन, और वाटर और जाइलम मिलता है तो एडहेशन। अब बहुत सारा बल्क में, बल्क में यहां पर क्या है मेरे पास में? बल्क में यहां पर मेरे पास अब वाटर है, बल्क में कह लो या मास में, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर, एक टेंशन क्रिएट होता है, और उस टेंशन की वजह से क्या होगा, यहां पर वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, जिसको हम लोग कैपिलरी मूवमेंट कहते हैं। समझ गए ये बात? और इसको कंबाइन करके क्या कहा जाता है? कोहेशन सरफेस टेंशन थ्योरी भी कहा जाता है। समझ गए? तो ये वाली बात है। तो इस तरीके से जो वाटर होता है वो मास में फ्लो करता है, ना कि एक एक मॉलिक्यूल यहां पर फ्लो करेगा, मास में या बल्क में यहां पर मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो वाटर कैसे मूव करेगा? मास में या बल्क में यहां पर मूव करेगा। अब यहां पर वाटर का मूवमेंट जो है वो तीन तरीके से यहां पर देखने को मिलता है। कौन कौन से तीन तरीके हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक करके बैठ जाओ कि आपको कुछ नहीं आता इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप एक एक चीज को यहां पर कहानी की तरह समझना। यहां पर देखो इस तरीके से यहां पर ये रूट प्रेजेंट है, तो रूट जो है पहले मैं इस रूट का यहां पर आपको कंप्लीट एक बिगर पिक्चर पे स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? सबसे पहले क्या होता है यहां पर? सबसे पहले यहां पर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर प्रेजेंट होगा, ये रूट का स्ट्रक्चर है,
एपिडर्मिस सेल होगा। एपिडर्मिस के बाद क्या होगा? एपिडर्मिस के बाद होगा यहां पर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद यहां क्या प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स के बाद में यहां पर हमारे पास प्रेजेंट होगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम। और फ्लोएम के बाद क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम के बाद प्रेजेंट होगा हमारे पास में साइनम। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है किसका? रूट का। इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान से समझना, ये हमारा रूट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां पर एक और यहां पर लेयर होती है, इसको और बना देते हैं यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट होगी, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, तो वैसे ही भी यहां पर एक वॉल जो है, एक लेयर जो है, यहां पर एक मेम्ब्रेन जो है यहां पर प्रेजेंट होती है, तो इस तरीके से प्रेजेंट होगी, ठीक है, इन दिस वे। This and this way. समझ गए? तो बस इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर ये जो सबसे पहले मैंने बनाई, ये कौन सा सेल होता है? इसको बोलते हैं एपीडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपीडर्मिस, एपीडर्मिस बोलते हैं। यहां पर भी लिख देती हूं एपीडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस के बाद में यहां पर प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स। क्या प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है? यहां पर नीचे लिख देती हूं इसको मैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम। और फ्लोएम के बाद क्या प्रेजेंट होगा? जाइलम, ठीक है। यह है फ्लोएम, यह है जाइलम। और एंडोडर्मिस में क्या होता है? एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है? यहां पर एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, इस तरीके से एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रिप को क्या कहा जाता है? इस स्ट्रिप को कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या कहा जाता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। और जो ये एपिडर्मिस है, मान लो ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन। अब ये एपिडर्मिस क्या करता है? साइड से ये ग्रो करता है, ये एपिडर्मिस ग्रोइंग पोर्शन होता है, तो ये ग्रो करता है। तो जो पोर्शन ग्रो किया है, ये एपिडर्मिस का जो ये पोर्शन ग्रो किया है, इसको क्या बोलते हैं? इस ग्रोइंग रीजन को क्या बोलते हैं? इस ग्रोइंग रीजन को हम लोग बोल देते हैं क्या? रूट हेयर। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं रूट हेयर, रूट हेयर। तो ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस का इस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो जो ग्रोइंग पोर्शन होता है एपिडर्मिस का, उसी को रूट हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर क्या होता है? यहां पर लिख लो, रूट हेयर क्या होता है? ग्रोइंग रीजन ऑफ एपिडर्मिस। ये ग्रोइंग रीजन होता है किसका? एपिडर्मिस का, ग्रोइंग रीजन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहां पर किस तरीके से यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है? यहां पर मूवमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्या क्या चीजें देखी हम लोगों ने? देखो यहां पर जो जो देखा है उसको मैं शॉर्ट में लिखवा देती हूं। सबसे पहले क्या है? रूट हेयर है। सबसे पहले क्या है? रूट हेयर। और रूट हेयर के बारे में मैंने क्या बताया? रूट हेयर जो होते हैं ये ग्रोइंग पार्ट होते हैं किसका? एपिडर्मिस का, ग्रोइंग रीजन ऑफ एपिडर्मिस। इसके बाद में क्या है? एक सीक्वेंस में देखो, रूट हेयर के बाद है एपिडर्मिस। तो रूट हेयर के बाद क्या है? रूट हेयर के बाद हमारे पास दिया गया यहां पर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या था? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद क्या है? फ्लोएम। और फ्लोएम के बाद क्या है? फ्लोएम के बाद है जाइलम। ये सीक्वेंस है, समझ गए?
अभी यहां पर जो एपिडर्मिस होता है, ये क्या होता है, एपिडर्मिस का ग्रोइंग रीजन ही तो है रूट हेयर। तो एपिडर्मिस जो है ये ग्रोइंग पार्ट है, ग्रोइंग पार्ट है, और एपिडर्मिस के कुछ सेंटीमीटर पीछे, ये एपिडर्मिस है, इसके कुछ सेंटीमीटर पीछे क्या है, एंडोडर्मिस है। ये एंडोडर्मिस क्या होता है, ये नॉन ग्रोइंग होता है। क्या होता है, नॉन ग्रोइंग। और यहां पर एक स्ट्रिप देखो मैंने ये बना रखी है, क्या है ये, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो यहां पर एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कैस्पेरियन। यहीं पर प्रेजेंट होगी क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या प्रेजेंट होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। क्या नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर लविंग नहीं होते, वाटर से इसको डर लगता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा रूट का। अभी मैंने क्यों समझाया है, ये इसलिए समझाया, देखो तो यहां पर रूट जहां पर प्रेजेंट होती है, देखो इस तरीके से यहां पर ये रूट है, ये रूट हेयर है। रूट हेयर क्या परसीव करते हैं, रूट हेयर जो है ग्रेविटी परसीव करते हैं, इसको ध्यान रखना, परसीविंग ग्रेविटी, परसीविंग ग्रेविटी। तो ये जो रूट हेयर होते हैं, इन रूट हेयर में क्या देखने को मिलेगा, ये यहां पर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ये जो चारों तरफ वाटर है इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। रूट हेयर ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। तो वाटर सोइल में से कहां आया, इस रूट हेयर के पास आया। रूट हेयर के बाद कहां जाएगा, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के बाद कहां जाएगा, कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स के बाद कहां जाएगा, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के बाद कहां जाएगा, फ्लोएम में। फ्लोएम से कहां जाएगा, जाइलम में। और जाइलम से कहां जाएगा, कंप्लीट प्लांट में पानी जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पर ये जो मैंने यहां पर आपको क्या लिखवाया, यहां पर ये जो मैंने आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप बनवाई है, इसका क्या रूल है, इसका इसका क्या खेल है यहां पर। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर फंक्शन है, क्या है, ये पूरे खेल को ही बदल देती है यहां पर। कैसे, यहां पर जो वाटर था रूट हेयर ने सबसे पहले वाटर को लिया, ठीक है, ले लिया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहां पर जो वाटर है वो इस वाले एरिया से ट्रांसपोर्ट करता है, इस वाले एरिया से। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूं थोड़ा सा, ये जो एरिया है, ये सेल के बीच का जो एरिया है तो साइटोप्लाज्म है, सेल के बीच में जो प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वाटर ट्रांसपोर्ट होता जाता है। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वाटर जा रहा है इस तरीके से, लेकिन बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है। बीच में क्या आ जाती है, बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करेंगे, इसके इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। क्यों, ये वाटर जो है ये ऐसे मूव कर रहा है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या, हाइड्रोफोबिक है। इस तरीके से कोई इंसान जा रहा है, ठीक है, और आगे एक बैरियर आ गया, तो इंसान क्या करेगा, अपना रास्ता बदल देंगे हम लोग अगर आगे बैरियर है तो। वैसे ही पानी क्या करेगा, अब आगे तो ब्लॉक कर दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप ने कि मैं हाइड्रोफोबिक हूं, अब मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। तो अब पानी क्या करता है, अब पानी अपना रास्ता बदल देता है। अब पानी क्या करेगा, अब पानी यहां पर आ जाएगा, इस वाले एरिया में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म वाले एरिया में आ गया हमारा वाटर। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये बैरियर, आगे तो बैरियर है नहीं, ये आगे इस तरीके से भी जा सकता है, ठीक है, आगे का मूवमेंट इस तरीके से भी कर सकता है और सीधे सीधे भी कर सकता है, दोनों तरीके से मूव कर सकता है और सीधे सीधे मूव कर सकता है, ठीक है। तो क्या चीज यहां पर समझ में आई आप लोगों को, कि यहां पर जब वाटर इस बाहर वाले एरिया से मूव करता है तो इस पाथवे को कहा जाता है एपोप्लास्ट, और जब ये बीच वाला एरिया, इसको क्या कहा जाता है, जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि क्या देखने को मिलता है, जब यहां पर, जैसे यहां पर ये मान लो आपका एक सेल है, और ये सेल क्या है, ये दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, तो हमारे एनिमल्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ये जो जुड़ा हुआ है इसको बोल देते हैं गैप जंक्शन। क्या बोल देते हैं, गैप जंक्शन। लेकिन प्लांट में क्या कहा जाता है, प्लांट में इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, इस बीच वाले एरिया को इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहेंगे।
प्लांट ने क्या किया, एंडोडर्मिस में जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप ने रास्ता रोका और प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने प्लांट जो वाटर था, वाटर ने क्या किया, इस प्लाज्मोडेस्मेटा में आ गया, इस प्लाज्मोडेस्मेटा में आ गया और यहां से मूव करने लग गया। तो जो वाटर यहां पर आ जाता है, इस पाथवे को लेता है, तो इसको कहा जाता है सिम्प्लास्ट, और जब बाहर बाहर मूव कर रहा है तो उसको कहा जाता है एपोप्लास्ट। तो दो पाथवे हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से दो पाथवे पढ़े, एक सिम्प्लास्ट पढ़ा, एक एपोप्लास्ट पढ़ा। तो यहां पर लिख लेते हैं क्या क्या स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी। पहला क्या पढ़ा, पानी क्या कर रहा है, पानी रूट हेयर जो है, रूट हेयर ने वाटर को रिसीव किया। उसके बाद वाटर क्या करता है, एपिडर्मिस में जाता है, एपिडर्मिस के बाद कहाँ जाता है, कोर्टेक्स में जाता है, कोर्टेक्स के बाद कहाँ जाता है, एंडोडर्मिस में जाता है। एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस में जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है। इसके बाद वाटर कहाँ जाता है, फ्लोयम में जाता है, फ्लोयम के बाद कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा, और जाइलम के बाद कहाँ जाएगा, कंप्लीट प्लांट में जाएगा, ये मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर जो है सबसे पहले यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करेगा। एपोप्लास्ट का मतलब क्या है, सेल के बाहर वाले स्पेस से जाएगा, जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। लेकिन क्या होता है, जैसे वो एंडोडर्मिस में आता है, एंडोडर्मिस में कैस्पीरियन स्ट्रिप क्या है, हाइड्रोफोबिक है, क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो पानी जैसे ही यहां पर आता है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा एपोप्लास्ट पाथवे को, ये क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा किसको, एपोप्लास्ट पाथवे को, ब्लॉक एपोप्लास्ट पाथवे। किसने किया ये ब्लॉक, ये ब्लॉक किया इस कैस्पेरियन स्ट्रिप ने। तो यहां से क्या होता है, यहां से सिम्प्लास्ट पाथवे इंट्रोड्यूस होता है, कौन सा पाथवे, सिम्प्लास्ट। जब पानी कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, जिसको हम लोग यहां पर मेनली प्लांट के केस में प्लाज्मोडेस्मेटा बोल देंगे। तो प्लाज्मोडेस्मेटा में पानी आ जाता है तो सिम्प्लास्ट पाथवे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वॉटर चाहे एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करे या सिम्प्लास्ट को करे, दोनों ही पाथवे से फिर वो आगे की तरफ मूव कर सकता है, चाहे तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जाए या फिर उसी स्पेस से डायरेक्ट चला जाए, तो दोनों पाथवे को फॉलो कर सकता है। ये कहानी समझाई मैंने अब तक आप लोगों को, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर समझा देती हूं मैं आप लोगों को, ये इस तरीके से हमारा क्या है, इस तरीके से हमारा प्लांट है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जब पानी जो है, ये सोइल वाटर जो है, जब ये रूट के पास जाता है, यहां पर सोइल में क्या है, पानी ज्यादा है, रूट में क्या होगा, कम होगा, इसके कंपैरिजन में, जो जमीन में पानी वो ज्यादा होगा ना रूट के कंपैरिजन में, तो वाटर अपने हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। और जब रूट जो है, अब रूट में पानी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एपिकल वाले रीजन के कंपैरिजन में, तो कोई भी चीज अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगी। तो ये क्यों जाता है, ये दो रीजन की वजह से जाता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा, या फिर प्रेशर ड्राइवन, प्रेशर की वजह से करेगा। इस तरीके से पानी जो है बल्क में मूव करता है, ठीक है। तो ये देखो, अब यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ नोट्स, मास फ्लो या बल्क फ्लो। तो पानी हमेशा ही बल्क में फ्लो करेगा, मास में फ्लो करेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक एक मॉलिक्यूल जो है वो मूव करे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन इज एन एफिशियंट प्रोसेस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि वो केवल सोइल से कहां तक लेके जाता है, रूट तक लेके जाता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेशर ड्राइवन बल्क फ्लो है, जो प्रेशर ड्राइवन बल्क फ्लो है या मास फ्लो जो होता है, ये क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। पानी पहले सोइल से रूट में आता है,
डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन क्या कर रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, और रूट से जब वो एपिकल वाले रीजन तक जाता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो कौन करवाता है, प्रेशर ड्रिवन बल्क फ्लो। अब बात करते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल पार्टिकल में से, उनसे कॉन्टेक्ट करके। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था रूट हेयर के बारे में, कि रूट हेयर आर फिलामेंटस आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल। एपिडर्मिस का जो आउट ग्रोथ होता है वही रूट हेयर होता है। रूट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट करता है। रूट के डिफरेंट डिफरेंट जोन होते हैं, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, में क्या होते हैं रूट के अलग अलग जोन होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, जिसमें सबसे पहले जो रूट हेयर होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, ये जो रूट है, ये क्या करे, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर मैंने इसको बिगर पिक्चर पे दिखाया है। सबसे पहले रूट हेयर होगा जो कि एपिडर्मिस का ग्रोइंग ग्रोइंग पार्ट होगा, एपिडर्मिस एक ग्रोइंग पार्ट होता है। उसके बाद कॉर्टेक्स होगा, फिर एंडोडर्मिस नॉन ग्रोइंग रीजन होगा। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं जो सुबेरिन और लिग्निन से मिलके बनते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो स्टार्टिंग में जैसे पानी क्या हो रहा था, एपोप्लास्ट पाथवे से आ रहा था, कैस्पेरियन स्ट्रिप हाइड्रोफोबिक है, रास्ता रोक दिया एपोप्लास्ट पाथवे का। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से पानी प्लाज्मोडेस्माटा में आता है, यानी सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करता है, फिर फ्लोएम में जाता है, फिर जाइलम में जाता है, और जाइलम से कंप्लीट प्लांट में जाता है। तो समझ गए, वॉटर जो है तीन तरीके से मूव करेगा एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, ये देखो यहां पर, इन दिस पाथवे वॉटर मूव थ्रू सेल वॉल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। सेल के बाहर का जो स्पेस है वहां पर मूव करेगा विदाउट क्रॉसिंग एनी मैम्ब्रेन। ये जो मैंने यहां पर मैम्ब्रेन बना के बताई थी आप लोगों को, ये जो दो मैम्ब्रेन मैंने बताई थी, ये देखो यहां पर, ये जो दो मैम्ब्रेन, इनको पानी क्रॉस करके अंदर नहीं आता, बिना क्रॉस किए इन मैम्ब्रेन को वॉटर ट्रांसपोर्ट करता है। एट द एंडोडर्मिस एपोप्लास्ट पाथवे इज ब्लॉक्ड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप। और जैसे ही पानी एंडोडर्मिस वाले रीजन में आता है, उस एपोप्लास्ट पाथवे को कैस्पेरियन स्ट्रिप ब्लॉक कर देते हैं। अब पानी कहां पर जाता है, अब पानी सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है। तो अब प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व होता है, तो इसको कहा जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। देन आता है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांस मेम्ब्रेन क्या होता है, ये देखो यहां पर, यहीं से समझा देती हूँ, इस वाले में देखो, इस डायग्राम में देखो, इस वाले में पानी क्या करता है, जैसे एक ये सेल है एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स था हमारा, फिर एंडोडर्मिस था। तो एक बार पानी यहां पर एंट्री लेता है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, फिर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एग्जिट लेता है। तो एक सेल में दो बार यहां पर पानी टकरा रहा है, एक एंट्री के टाइम पर, एक एग्जिट के टाइम पर। इसी को कहा जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन। तो ये पढ़ो ट्रांस मेम्ब्रेन में, इन दिस पाथवे वॉटर क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल इन इट्स पाथ ट्वाइस। इन ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे क्या होता है, वो पाथवे जिसमें वॉटर जो है प्लांट के सेल मेम्ब्रेन को, एक ही सेल के सेल मेम्ब्रेन को दो बार क्रॉस करता है, एक बार एंट्री, एक बार एग्जिट। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ वॉटर ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से थ्योरी है, पहला है असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है, सोइल में से जो रूट पानी लेती है, धरती में से जो रूट पानी एब्जॉर्ब करती है, तो पानी के साथ साथ मिनरल भी आता है, मिनरल भी आता है, इसको कहा जाता है जाइलम सैप, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसी को असेंट ऑफ सैप कहा जाता है। कैसे मूव करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, रूट से एपिकल वाले रीजन में, इसी को कहा जाता है असेंट ऑफ सैप। दूसरा रूट प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये मैंने कैसे बताया था, एक बैलून के एग्जाम्पल से बताया था कि यहां पर क्या होता है, यहां पर रूट ने बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा ट्रांसपिरेशन पुल जो है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग आज के टाइम पर फॉलो करते हैं, कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि प्लांट का जो एपिकल वाला रीजन होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। प्लांट का जो एपिकल रीजन होता है वहां क्या देखने को मिलता है, ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से
पानी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन यानी वाटर ऊपर की तरफ लॉस होता जा रहा है, अब वाटर लॉस होता जा रहा है, नीचे पानी ज्यादा है, तो कोई भी चीज अपने हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाती है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ट्रांसपिरेशन पुल मैंने समझा दिया, इसी को ही कोहेशन टेंशन थ्योरी कहा जाता है। कोहेशन टेंशन में मैंने समझा दिया, कोहेशन यानी वाटर वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, जाइलम से टकराएंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरीज होती हैं किसकी, वाटर ट्रांसपोर्ट की। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन